और तुम्हारे डैडी की ये बात मुझे कभी पसंद नहीं है। मैं बर्दाश्त करती रही, उनके ताने सहती रही और शायद जिंदगी भर निभाकर भी ले जाती, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां इंसान को दोबारा फैसले लेने पड़ते हैं, और वही मैंने भी किया। डैड से तलाक लेने का फैसला करके आपने बहुत बड़ी भूल की। डैड से बेहतर इंसान आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकता मॉम। काश तुम्हें बेहतर इंसान की ठीक परिभाषा मालूम हो। रोहित, तुमने कभी मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश की है? मैं मां हूं तुम्हारी, तुम बेटे हो मेरे, लेकिन एक मां अपने बेटे को गले लगाने से इसलिए डरती रही क्योंकि उसके अंदर वही शैतान पल रहा है जो उसके पति में। मैं भी तुम्हें गले लगाकर रोना चाहती। एक पति जब अपनी पत्नी को लगातार सदमे देता रहे ना, तो उस औरत को अपने जवान बेटे के कंधे की जरूरत होती है, जो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा आपके सामने मौजूद रहा करता था। तो दिन सराय आदमी की तरह रोहित, तुमने हमेशा अपने डैडी को ही देखा, उनके आगे तुमने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। उस आदमी ने मुझे अंदर तक इतनी चोट पहुंचाई है ना कि उसके दर्द से मैं जिंदगी भर उधर नहीं पाऊंगी। ऐसा क्या किया है डैड ने? तुम्हें नहीं पता। क्यों क्यों वो? दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और शायद तब तुम अपने मां के दर्द को समझ सको। वाह, क्या नजारा है! एक मां अपने बेटे के मजबूत कांधों का सहारा ले। वाह, तुम हमेशा तरसती करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ। Very emotional. Dad, Mom is quite upset. I just don't know why. तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है रोहित। And you hurry up. तुम्हें विदेशी मेहमानों को लेने के लिए एयरपोर्ट से। जी, मैं निकलता हूँ। Bye. Bye, Dad. See you. मैं तुम्हारे इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए। कोई ताज्जुब नहीं कि यह ख्याल आपको मंगला से सलाह मशविरा करने के बाद आया। यह सब जानने का तुम्हारा काम नहीं है। एनीवे, एक शर्त पर मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर सकता हूं, जबकि तुम इन पेपर्स पर साइन। क्या लिखा है इन कागजों? यही कि मेरी जायदाद में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं। सारा पैसा मैं कुसुम। मैं और कुसुम आपके पैसे से थूकने भी नहीं आएंगे। मैं अभी साइन कर देती हूं। नाउ गेट आउट ऑफ दिस हाउस। ये घर मेरे पिता का है और अभी तक मेरे नाम। तुम मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हो? तुम? हाँ मैं। बेवकूफ औरत, तुमने बिना पढ़े इन पेपर्स पर साइन कर दिया। तुम्हारे खूबसूरत दस्तखत ने मुझे इस घर का मालिक बना दिया है। जाना है तो तुम इस घर से बाहर निकलो। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी? साइन कर दिया। आज के बाद तुम आजाद हो और मैं भी।